नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल 2022 का आखिरी चंद्रग्रहण 8 नवंबर 2022 को लगने वाले हैं। दोस्तों, कोई कितना भी जिद क्यों ना करे, यश में भूल कर भी आप एक चीज़ का दान भूल कर भी मत करना, वरना दोस्तों आने वाले समय में मुसीबतों का पहाड़ झेलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों समय रहते हो जाइए सावधान। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। दोस्तों, इन्हें भूल कर भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। यूँ कहें, जो भी आज के इस वीडियो को मिस कर देगा वह जीवन भर पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस चंद्रग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और कौन से कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम भगवान चंद्रदेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय चंद्रदेव जरूर लिखिएगा। चंद्रदेव आपकी सभी मनोकामनाएं यह समय पूरी करेंगे, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान में जब चंद्र ग्रसित हो जाते हैं तो दोस्तों वर्ष में कुछ चीज़ों का दान करना हमारे जीवन काल को बिल्कुल ही धन्य कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा किया गया एक छोटा सा दान चंद्र को ग्रसित होते होते बचा लेते हैं और जितनी जल्दी वह ग्रसित मुक्त होते हैं उतना ही हमें पुण्य की प्राप्ति होते हैं, उतना ही चंद्रदेव हमारे जीवन काल में खुशियों की बारिश करते हैं। तो दोस्तों, यह समय भी चंद्र ग्रहण के दौरान आप इस मौके को भूल कर भी मत छोड़िएगा। और दोस्तों, कुछ चीज़ों का आपको दान अवश्य करना है और कुछ चीज़ों को दोस्तों आपको अनजाने में भी दान नहीं करना है। तो आए दोस्तों जान लेते हैं चंद्रग्रहण की कुछ मुख्य बातें। दोस्तों, साल का दूसरा चंद्रग्रहण 8 नवंबर 2022 को मंगलवार के दिन लग रहा है। इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण होगा। पहला चंद्रग्रहण 16 मई 2022 को लगा था। इस घटना का जितना महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है उतना ही महत्व धार्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से भी है। भारत में चंद्रग्रहण का समय शाम 5:32 से लेकर रात्रि के 7:27 रहेगा, यानी कि इसकी कुल अवधि 1:95 रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान खाने की कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में किन व्यक्तियों को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण काल में कौन खा सकते हैं? वैसे तो ग्रहण काल में भोजन करने की मनाही होती है, परंतु गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जरूरत पड़ने पर कुछ चीज़ें खा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि बुजुर्गों को उम्र के अनुसार दवाइयों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही गर्भवती महिलाओं को समय समय पर भोजन और पानी पीने की सलाह भी दी जाती है। उनके पेट में पल रहे शिशु को पोषण की जरूरत होती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को लंबे समय तक भूखा न रहने के लिए कहा जाता है। इसी तरह छोटे बच्चे भी अधिक देर तक भूखे नहीं रह सकते, उन्हें भी खाना खाने के लिए मना नहीं किया जा सकता। इस बात का बस आप विशेष ध्यान रखें कि भोजन में तुलसी का पत्ता अवश्य मिला लें। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पत्ता ग्रहण को बहुत ज़्यादा टालता है और जो भी ग्रसित होते हैं उन्हें मुक्त करता है। तो दोस्तों, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहण काल में क्या नहीं खाना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्यों को ग्रहण काल में पका हुआ भोजन और कटे फल खाने से परहेज करना चाहिए। इस दौरान पका हुआ भोजन और कटे फल खाने से सेहत पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि ग्रहण काल में किन चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। ग्रहण काल में बुजुर्ग बच्चे और गर्भवती महिलाओं को दूध का सेवन करना चाहिए। इस दूध को तुलसी के पत्ते से डालकर अच्छे से उबाल लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। इसके अलावा नारियल, केले, अनार, आम का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही ग्रहण काल में डाइट फूड भी खा सकते हैं। इनमें भरपूर एनर्जी होती है जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होती है। दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो कि आप ग्रहण काल के समय खा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो आइए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि ग्रहण काल के दौरान आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है,
कौन सी चीज़ों का दान करना है और कौन सी चीज़ों का दान आपको भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रहण के काल के दौरान आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों ग्रहण का समय पापियों का समय होता है। जब पापी ग्रसित करने में लगते हैं तो दोस्तों वश में पाप का समय होता है। वश में हमें अपने मन को स्थिर रखना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति यश में अपने मन में पाप को लेकर कुछ समोहन लाते हैं, कुछ सोचते हैं, तो दोस्तों वश में वह पाप के भी भागीदारी बन जाते हैं। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों नकारात्मक सोच आपको अपने अंदर नहीं लाना है। दोस्तों ध्यान रहे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे उधार लिए हैं तो दोस्तों ग्रहण काल के दौरान आपको उनसे कुछ भी नहीं कहना है। दोस्तों ऐसे समय में अगर आप उन पर क्रोध करेंगे तो दोस्तों पापियों का पाप आपके भी ऊपर पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें। शायद दोस्तों आपको बता दें कि ग्रहण काल के दौरान अपने से बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आपको बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़े शबों का आपको आदर सम्मान करना चाहिए। दोस्तों यश में किया गया आपका सम्मान आने वाले समय में आपको कई गुना में प्राप्त होगा और आपके हर कार्यों में हर मुश्किल परिस्थितियों में आपको एक अच्छी रास्ता भी प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों ग्रहण काल के समय में आप कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। या दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्रहण काल के दौरान में आप किसी भी जानवर को ना धुतकारिएगा। दोस्तों यश में किया गया आपका एक पुण्य आपके आने वाले जीवन को संवार सकता है। तो दोस्तों यश में कोई भी गलत कदम जो आपके अनुसार हो दोस्तों उन्हें बिल्कुल भी आप मत उठाइएगा। जो आपके दिल कहे कि यह चीज सही है बस उसी कार्य को आपको करना है और ग्रहण काल के समय आप घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा। दोस्तों ग्रहण काल के समय आप नुकीली चीजों का भी प्रयोग नहीं कीजिएगा। दोस्तों ये ग्रहण काल के समय बहुत ही नुकसानदायक साबित होते हैं। तो दोस्तों इन सभी का ध्यान आपको रखना है। शायद दोस्तों ग्रहण काल के समय आपको कौन से चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन सी चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के समय में जिस भी व्यक्ति के जीवन काल में अन्य धन की कमी होती है दोस्तों वर्ष में उनके जीवन काल में बहुत ही घबराहट होती है। उन्हें लगता है कि हमारे जीवन काल में अब सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी और सारी परेशानियां हमें और घेर लेंगी। तो दोस्तों यश में जो भी व्यक्ति आपके जीवन काल में ऐसे लगे कि आपसे बुजुर्ग है और आपसे कुछ सहायता मांगते हैं तो दोस्तों ऐसे में उनकी आप सहायता जरूर कीजिएगा। दोस्तों जितना हो सके आप उनकी मदद कीजिएगा। दोस्तों यश में किया गया मदद आपको भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस भी गरीब व्यक्ति को आप कुछ चीज़ों का दान करेंगे दोस्तों उनके साथ उन्हें धान जरूर देना है। दोस्तों जो धान होता है एक कटोरी धान उनको साथ में देना है और साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद भी आपको लेना है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान जब चंद्रदेव ग्रसित होते हैं वर्ष में किया गया आपका धान का दान आपके आने वाले सात पुश्तों को भी राजा बना देता है। तो दोस्तों यही चीज है जिनका आपको यश में दान करना चाहिए। शायद दोस्तों ग्रहण काल के दौरान चंद्रदेव को छोड़ने के लिए आप पापी से प्रार्थना जरूर कीजिएगा। उन्हें धान दान करने की प्रार्थना कीजिएगा, उन्हें धान दान करने की गुहार लगाइएगा। दोस्तों इनसे भी आपके जीवन काल में बहुत ज़्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आने वाला समय आपके जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको कौन सी चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि गरीब असहाय व्यक्ति जब भी आपके द्वार पर आएंगे तो दोस्तों यश में आप अपने जीवन काल के जो भी आपके काम की चीज़ें हैं उन्हें दान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों खाने की वस्तुओं को आप यश में भूल कर भी दान मत कीजिएगा। दोस्तों इनसे बहुत ज़्यादा पाप लगता है क्यों। दोस्तों कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी वस्तु नहीं खाना चाहिए, खासकर दोस्तों बड़े लोग। दोस्तों बुजुर्ग और बच्चे होंगे तो उन्हें आप दूध का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए शुभ रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगर वो किसी और चीज़ों का दान मांगे तो दोस्तों भूल कर भी आप उनको कुछ और चीज़ें ना दें। दोस्तों अक्सर आप देखे होंगे कि गरीब असहाय व्यक्ति हर चीज़ों को लेकर मन में लालच करते हैं। जो भी आपके घर में टूटे चीज़ें होती हैं वो उन्हें भी मांग लेते हैं कि यह चीज़ तो आपके काम के नहीं। परंतु दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों कोई भी टूटे चीज़ों का आपको भूल कर भी दान नहीं करना है।
जी हाँ दोस्तों, दूध का भी अगर आप दान कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वह दूध जूठा बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों इनसे बहुत ही बड़ा अपमान होता है और आप पाप के भी भागीदारी बन जाते हैं। तो दोस्तों बस इस बात का ध्यान रखें, साथ ही जो भी टूटे चप्पल, टूटे जूते, जो भी आपके काम की वस्तु ना हो, इस प्रकार की चीज़ों का आपको यश में भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होते हैं। और शायद दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए, दोस्तों आप शिव को बता दें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बस आपको कुछ नहीं करना है, घर में बैठ कर दोस्तों अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना है। जो भी आपके ईश्वर हैं, जिन्हें आप मानते हैं, बस उनके मंत्रों का जाप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप करना है। शायद दोस्तों आपके जुनकाल में आप ओम ओम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी मंत्र आपके जुनकाल में ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचाएगा और जो भी शुभ प्रभाव है उन्हें आपको प्रदान करेगा। तो दोस्तों इनसे आपके जुनकाल में कोई भी संकट नहीं आएंगी और सभी प्रकार की जो उपलब्धि है वो आपको मिल जाएंगी और आने वाले समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज को यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, साथ ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आपका आने वाले समय शुभ हो।